हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो नेग्लिजेंस में हमारा एक छोटा सा टॉपिक लग गया था, नर्वस शॉक। ठीक है, वो देख लेते हैं। छोटा सा ही है, बस केसेस ही है इसमें। बताइए भाई क्या होता है नर्वस शॉक। देखिए, हम लोगों ने जब नेग्लिजेंस पढ़ा, इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था, नेग्लिजेंस ही अपने आप में जो है वो 19th सेंचुरी में आया था। ठीक है, उससे पहले नेग्लिजेंस ऑफ टॉट ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब जब नेग्लिजेंस आया तो उसमें भी फिर डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, कोर्ट ने कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस माना, फिर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को बताया कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये नर्वस शॉक वाली बात आई। नर्वस शॉक क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि मान लीजिए कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ। ठीक है, उस रॉन्गफुल एक्ट को देखकर किसी आदमी को शॉक लग गया, नर्वस शॉक हुआ। ठीक है, तो उससे क्या, उसको अगर कोई इंजरी होती है, कोई इलनेस होती है, तो क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा क्या, जिसने जो रॉन्ग डूअर है, जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, उसके रॉन्गफुल एक्ट से किस कोई आदमी नर्वस शॉक से वो बीमार हो जाता है या वो इंजर्ड हो जाता है, कुछ भी होता है, तो क्या उसको भी कंपनसेशन मिलेगा। बस इसी पे बात चलता है नर्वस शॉक। ठीक है, अब जैसे कि इस पे हम लोग देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले ये डाल दिए कि ये जो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ टॉर्ट, ये न्यू वन है। ठीक है, ये पहले नहीं थी। ठीक है, न्यू ओरिजन है। ठीक, दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, और हम लोग लिखेंगे क्या होता है। देखिए, अब आदमी को फिजिकल इंजरी जो होती है वो कैसे होती है, भाई मैंने आपको धक्का दिया, ठीक है, या आपने मुझे डंडे से मारा, ठीक है, तो ये तो फिजिकल इंजरी हर कोई जानता है। ठीक है, या मैंने गोली मारी, ये तो फिजिकल इंजरी है ही है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा नर्वस शॉक भी होता है। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। पर्सन में गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इंपैक्ट सच एज बाय स्टिक बुलेट और क्या और चीजें एक्सेट्रा मान लीजिए, बट मेयरली बाय नर्वस शॉक। अभी सब बता देंगे, नर्वस शॉक दो व्हाट ही हैज सीन और हर्ड, बस इतना ही बहुत है। चलिए पढ़िए इसको क्या है। ए पर्सन में गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इंपैक्ट सच एज बाय स्टिक बुलेट, ठीक है, बट मेयरली बाई नर्वस शॉक। कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि फिजिकल इंजरी से ही मुझे कोई इंजरी हो। ठीक है, मुझे नर्वस शॉक से भी इंजरी हो सकती है, लेकिन टॉर्ट में अगर मुझे केस करना है तो इस नर्वस शॉक से, इस नर्वस शॉक से क्या होना चाहिए, सच नर्वस शॉक सेल कॉज इंजुरी और इलनेस। इस नर्वस शॉक से, खाली नर्वस शॉक हुआ है, मैंने कोई रॉन्गफुल एक्ट देखा, उसे देख के मैं एकदम चौंक गया, तो या मेरे अंदर एकदम होता है कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो गई, ठीक है, बीपी हाई हो गया या लो हो गया देख के, तो क्या उसमें कुछ आपको मिलेगा, नहीं। क्या होना चाहिए, नर्वस शॉक देख के आप बीमार पड़ जाएं, ठीक है, एडमिट होने की नौबत आ जाए या आपकी डेथ हो जाए, तो इसमें केस आएगा, किसमें, नर्वस शॉक में। चलिए और क्या है इसमें, और कुछ चीजें ये बताइए कि एंशियंट में, आप जैसे मैंने आपको बताया ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ, तो इसका मतलब पहले ये नहीं था, तो क्यों नहीं था, क्योंकि नर्वस शॉक जो था वो प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट टू प्रूफ था ना, डिफिकल्ट टू प्रूफ नर्वस शॉक इंजरी बाय नर्वस शॉक, कि भाई ये नर्वस शॉक से इंजरी हुई है, ये प्रूफ करना
थोड़ा मुश्किल था ना, डिफिकल्ट था। फिर क्या हुआ, अरे जैसा कि आप जानते हैं आज के टाइम पे तो क्या हुआ, अगर जब डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेन रीजन था कि कोर्ट को मानना पड़ा कि भाई नर्वस शॉक से भी इंजरी होती है। चलिए इस पे आप फिर से देखें, एंशियंट टाइम में क्यों नहीं मानते थे हम कोर्ट, मतलब क्यों नहीं मानती थी कोर्ट, क्योंकि प्रूव ही नहीं हो पाता था। अरे भाई अब किसी को इंजरी हुई तो ये प्रूव ही नहीं हो पाता था ये इंजरी जो है उस नर्व, वो जो वहां पे रॉन्गफुल एक्ट हुआ था उसी के नर्वस शॉक से हुई है, ठीक है, कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाते थे। अब जब मेडिकल साइंस में जब डेवलपमेंट हुआ तब क्या होने लगा, अरे भाई वो पूरी रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है कि इन्हें शॉक लगने से इनका ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है, जिससे इनकी डेथ हो गई। अब तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि नर्वस शॉक से क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो भाई कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो बस यही रीजन है। चलिए अब नर्वस शॉक को देखने के लिए क्या है, नर्वस शॉक कैन, ये देखिए नर्वस शॉक कैन बी कॉज, नर्वस शॉक अगर हुआ है तो दो तरीके से होगा, पहला इंटेंशनल नर्वस शॉक, इंटेंशनल नर्वस शॉक, ठीक, दूसरा नेग्लिजेंटली कॉजिंग, नेग्लिजेंटली कॉजिंग नर्वस शॉक। चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्या ये, अरे ऐसे ही समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नर्वस शॉक जो है वो दो तरीके से होता है, कैसे कैसे, या तो फिर वो इंटेंशनल होगा, इंटेंशनल में एक केस है, केस का नाम है विल्किंसन वर्सेस, विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन, डाउनटाउन क्या हुआ था भाई, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की दोनों टांगे टूट गई, ठीक है, क्या कहता है वो एकदम जाता है, वो फॉल्सली कहता है ऐसे ही मजाक में या झूठ में ऐसे ही क्या कहता है जाके कि देखो तुम्हारे हस्बैंड की दोनों टांगे टूट गई। आप ये सुन के वो नर्वस शॉक लग के वो बेहोश हो जाती है, एडमिट हो जाती है, ठीक। तो इसमें कोर्ट कहती है भाई ये इंटेंशनल नर्वस शॉक है, कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो लाइबल होगा कौन, डिफेंडेंट। चलिए नेग्लिजेंटली कॉजिंग नर्वस शॉक क्या होता है, नेग्लिजेंटली कॉजिंग नर्वस शॉक क्या होता है, एक तो पहली बात ये जान लीजिए कि बिफोर 20th century, इससे पहले तो पहली बात कोर्ट इसमें कुछ नहीं देती थी, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, 20th century से पहले इंटेंशनल कॉजिंग नर्वस शॉक में कुछ नहीं मिलता था। अब 1901 में एक केस आया था, पहला केस जिसमें कोर्ट ने कंपनसेशन दिया था, केस का नाम था डुलियो वर्सेस वाइट, इम्पोर्टेंट केस है ये इसका, ठीक है, अब पहला केस है तो इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट केस है। चलिए इसमें क्या हुआ था, इस केस में एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने घर में बैठी होती है, ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने घर में बैठी होती है और तभी एक कार हाई स्पीड में आती है और उसके घर में कहीं टकरा जाती जाके, ठीक है, बहुत तेजी में आके उसके घर में टकरा जाती है, तो इस चीज से उसे शॉक लगता है और वो इल पड़ जाती, बीमार पड़ जाती है, ठीक। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई कंपनसेशन देना पड़ेगा, जबकि उसे क्या हुआ था, नर्वस शॉक ही तो हुआ था, कोई उसके कार थोड़े टकरा गया आगे, लेकिन इतनी तेज आवाज हुई उसके घर में जब टकराई आगे कि वो एकदम नर्वस शॉक से बीमार पड़ गई, तो कोर्ट में इसने कंपनसेशन दिया। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि नर्वस शॉक के केसेस में तभी कंपनसेशन दिया जाएगा जब वो उसे पर्सनल इंजरी होगी, ठीक है, पर्सनल इंजरी, पर्सनल इंजरी का मतलब क्या कि डायरेक्ट आपसे ही लिंक हो, ठीक है, जिस रॉन्गफुल एक्ट के लिए नर्वस शॉक हुआ है ना, जिस रॉन्गफुल एक्ट से, वो रॉन्गफुल एक्ट आपसे ही डायरेक्ट लिंक हो। तो इसमें क्या हुआ था, उसके घर में ही आ गए, या तो आपसे हो या आपकी प्रॉपर्टी से हो, तो उसके घर में आके गाड़ी टकरा गई थी, ठीक।
तो कोर्ट ने क्या कहा, एक लिमिटेशन भी दे दी, दिया तो कंपनसेशन तो दिया उसे लेकिन विद लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन थी? कि भाई पर्सनल इंजरी होनी चाहिए, ये लिमिटेशन लगा दी। कि और कुछ, और किसी के घर में अगर इसी के जगह उसके सामने वाले घर में कार टकराती जाके फिर भी वो केवल आवाज से ही अगर उसे बीमार पड़ जाती हो तो इसमें मिलता? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पर्सनल इंजरी नहीं होती, कोर्ट ने लिमिटेशन इसमें दे दी। चलिए, लेकिन समय के साथ कोर्ट थोड़ा लिबरल हुई। क्या हुआ 1925 केस में, एक 1925 में केस आया था, केस का नाम लिखिए हैम्ब्रुक वर्सेस स्ट्रोक, दूसरा इम्पोर्टेंट केस। इसमें कुछ याद रहे ना रहे, ये दोनों केस जरूर याद रहने चाहिए आपको, हैम्ब्रुक वर्सेस स्ट्रोक। इसमें क्या हुआ था देखिए, इस केस में एक औरत सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकली थी, ठीक है, वो रोड पे वॉकिंग कर रही थी, टहल रही थी, उसी सब वो अपने साथ में एक बच्चे को भी लिए हुए थी, अपने बच्चे को, ठीक, तो 5-6 साल का बच्चा था उसका, वो वहीं पर खेल रहा था पार्क आर्क में, वो टहल रही थी अपने, उसी समय एक एक्सीडेंट होता है, और जैसे ही वो एक्सीडेंट की आवाज सुनती है वो तुरंत इधर उधर देखती है, और सभी उसे पता चलता है कि उस एक्सीडेंट से एक 5-6 साल का बच्चा मर गया है, और उसका भी बच्चा 5-6 साल का था, ठीक है। तो वो ये सुनते ही एकदम नर्वस शॉक में बेहोश हो जाती है, और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है, जबकि उस एक्सीडेंट में उसके बच्चे नहीं डेथ होता है, कोई और बच्चा होता है, ठीक। फिर भी अब इसमें, इस केस में पर्सनल इंजरी उसको नहीं थी ना, उसका बच्चा थोड़े इंजर्ड हुआ था उस रॉन्गफुल एक्ट से, पर्सनल इंजरी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कंपनसेशन दिया, ठीक। समझ में आ रही कोई नहीं बात? अरे भाई आप देख लिए, नेग्लिजेंटली कॉजिंग नर्वस शॉक हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पहले देखा कि 20th सेंचुरी से पहले कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाता था अगर नर्वस शॉक से, ठीक है। पहला केस 1901 में आया था, कौन सा? डुलियन वर्सेस वाइट। इसमें कंपनसेशन तो कोर्ट ने दिया था, इसके फैक्ट क्या थे? वही औरत वाले अपने घर में बैठी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने ये साथ में कह दिया कि पर्सनल इंजरी होगी तभी हम नर्वस शॉक में आपको देंगे। पर्सनल इंजरी क्या? जिस जो रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है उससे आपको पर्सनल इंजरी हो रही हो। दूसरा केस आया 1925 में हैम्ब्रुक वर्सेस स्टोक्स, इसमें क्या हुआ था? इसमें पर्सनल इंजरी नहीं थी लेकिन फिर भी कंपनसेशन मिला, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, इसी में ही है टू में, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी नर्वस शॉक में कंपनसेशन लेने के लिए, क्या? इसी का ही पार्ट है, ठीक है, टू का। डिफेंडेंट मस्ट फोर्सीन इंजरी। कहने का मतलब है कि टू द प्लेंटिव, चलिए कहने का मतलब ये है, केसेस पहले लिखने नहीं, पहले समझा देते हैं। डिफेंडेंट मस्ट फोर्सीन द इंजरी टू द प्लेंटिव, कहने का मतलब है एक ऑर्डिनरी मैन ये सोच सकता है, जैसे कि मैंने आप ये बताइए, जैसे कि एकदम एक्सीडेंट कहीं होता है, ठीक है, दो कारें एकदम आपस में भर जाती है, बहुत तेज एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें एक आध लोग की मौत हो जाती है, तो ये भी मान के चलिए, प्रिज्यूम कर चलिए, अगर ऑन द स्पॉट कोई और वहां पर हुआ, मान लीजिए एकदम बचा बचा, एकदम जैसे एक्सीडेंट हुआ बच ही गया वो, तो वो भी तो नर्वस शॉक से बेहोश हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिज्यूम कर सकता हूँ ना मैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो इस केसेस में उसे कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन कोई बहुत दूर खड़ा है उसे कुछ हो जाता है तो मैं थोड़े लायबल होऊंगा, मतलब जो रॉन्ग फ्लैग कर रहा है बहुत बहुत वो थोड़े लायबल होगा। चलिए देखते हैं केसेस, देखते हैं सबका उनमें आ जाएगा। बोर हिल वर्सेस यंग, मैक लॉकिन वर्सेस ओब्रायन, और कौन सा है, ऑनेस्ट वर्सेस लिवरपूल कॉर्पोरेशन, ऑनेस्ट वर्सेस लिवरपूल कॉर्पोरेशन। चलिए देखते हैं तीनों केसेस।
क्या हुआ था पहले वाले कहते हैं बोरहिल वर्सेस यंग, देखिए डॉलियो वर्सेस वाइट, हैम्ब्रुक वर्सेस स्टोक्स और बोरहिल वर्सेस यंग, ये तीनों केस आप नर्वस शॉक के याद रखिएगा, काफी एग्जाम में ये तीनों ही पूछे गए हैं, ठीक है। इन तीनों को तो याद ही रखिएगा, वैसे सारो देख सारे रहिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आए तो पहचान तो आप सभी लें, ठीक है, लेकिन इनको तो भूलना भी नहीं है, अगर मेंस में भी लिखना है तो भी इनके नाम डाल लें। चलिए, बोरहिल वर्सेस यंग में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, एक लेडी खड़ी हुई थी, ठीक है, तो एक मोटरसाइकिल और कार का एक्सीडेंट होता है बहुत तेज, ठीक, तो उसमें एक आदमी की डेथ हो जाती है, तो वहां से 45 फुट दूर एक औरत खड़ी थी, ठीक, एक्सीडेंट की आवाज सुन के वो वहां पे जाती है, तो वहां पे कुछ नहीं होता है लेकिन ब्लड फैला होता है, सब लोग बात कर रहे होते बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ ये वो, वहां पे ब्लड नीचे, ब्लड क्लॉटिंग नीचे होती है, तो फिर वो क्या कहता है, तो उसमें क्या होता है, फिर वो ब्लड क्लॉटिंग देख के, वो ब्लड नीचे देख के वो बेहोश हो जाती है, फिर वो कंपनसेशन मांगती है जिसने एक्सीडेंट किया होता, तो कोर्ट कहती है देखिए डिफेंडेंट मस्ट फोर्सी इन द, वो तुम्हारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसकी, और 45 फुट दूर आप खड़ी हैं तो वहां पर आगे थोड़े कुछ उसे थोड़े पता था कि आप यहाँ पे ब्लड देखेंगे आगे और बेहोश हो जाएंगी, ठीक है, तो इसमें कोर्ट उसे कंपनसेशन नहीं देती है, नॉट लायबल, ठीक। मैकलॉगन वर्सेस ओब्रायन में क्या हुआ था, मैकलॉगन वर्सेस ओब्रायन में ये हुआ था, एक आदमी होता है वो अपने तीन बच्चों के साथ जा रहा होता है, ठीक, एक आदमी अपने तीन बच्चों के साथ जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे होते हैं तब उसकी वाइफ वहां पर पहुंचती है, तो वाइफ को जब पता चलता है कि उसके तीन बच्चों में से एक उसकी जो बेटी है उसकी डेथ हो गई, ये वो सुन के बेहोश हो जाती है और बीमार पड़ जाती है, तो कोर्ट कहती है देखो भाई इसमें आपको कंपनसेशन उस औरत को भी देना पड़ेगा। चलिए, ओनर्स वर्सेस लिवरपूल का कॉर्पोरेशन में क्या होता है, एक डेड बॉडी, डेड बॉडी क्या मतलब एक फ्यूनरल जा रही होती है, ठीक है, जैसे देखा होगा ना फ्यूनरल में क्या करते हैं, रोड पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो लेके जा रहे होते हैं, तो एक कार वाला आता है और उसी में ठोक देता है, लोग लेके जा रहे होते हैं वो ऐसी कार लेके आता है कि सब लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उस बॉडी को ही वो मतलब जो डेड बॉडी होती है उसी में ही टक्कर मार देता है, डेड बॉडी इधर उधर गिर जाती है, तो ये देख के एक आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक, नर्वस शॉक उसे लग जाता है, जबकि कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ, डेड बॉडी क्या इंजर्ड होगी, ठीक है, जबकि कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोर्ट कंपनसेशन देती है, क्यों, क्योंकि जेन्युइन कॉज ऑफ नर्वस शॉक है, और यहां तक आते आते कोर्ट बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए कोर्ट अब इसमें कंपनसेशन इसमें भी दिया था, जबकि इसमें कोई इंजरी भी नहीं हुई थी, इंजरी क्या होगी, डेड बॉडी के ही तो टकरा जाती है, ठीक है, लेकिन नर्वस कॉज का रीजन बनता है, इसलिए कोर्ट में इसमें भी कंपनसेशन दिया था। चलिए, समझ में आ गया होगा, अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफेमेशन, ठीक है, थैंक यू।